हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवानी गुप्ता एज एजुकेशन से आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। तो जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो जिसमें से हम लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स की क्लासेस पहले कर चुके हैं और अब हम जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज पावर पॉइंट के क्लास की। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को ऑन करना देखेंगे कि हम सॉफ्टवेयर को ऑन कैसे कर सकते हैं। हालांकि जब हम पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर तक पहुंच चुके हैं तो आपको कंप्यूटर्स की बहुत अच्छी सी नॉलेज हो गई होगी, ऑपरेटिंग अच्छी हो गई होगी आपकी, तो आपको सॉफ्टवेयर ऑन करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अब। तो फिर भी हम एक बार इसको समझ लेते हैं और आगे ये चीज़ें स्टार्ट कराते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम अपने कर्सर को स्टार्ट बटन पर ले आएंगे। स्टार्ट बटन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके का यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएंगे कुछ सॉफ्टवेयर्स के। अगर रीसेंट सॉफ्टवेयर्स में हमें वो सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है तो हम उसको यहाँ से ऑन करा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। हम यहाँ पर क्लिक करके भी सॉफ्टवेयर को ऑन करा सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करके भी प्रोग्राम को सर्च कर सकते हैं और फाइंड आउट करा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया पावर पॉइंट 2010, देखिए हमने यहाँ पर लिखा पावर पॉइंट 2010, तो मेरे पास ऊपर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के नाम से ये इस तरीके से सॉफ्टवेयर का नाम सर्च होकर के आ गया है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 का विंडो खुल करके आ जाएगा। तो ये एक पहला मेथड था जिस मेथड से हम लोगों ने प्रोग्राम को सर्च किया और ऑन किया। अभी हम इस सॉफ्टवेयर को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। दूसरा मेथड हम लोग समझ लेते हैं, इसी स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर रीसेंट में हमारे सामने आ रहा है तो हम इस पर क्लिक करके भी सॉफ्टवेयर को ऑन करा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर की विंडो हमारे सामने खुल करके आ जाएगी। और थर्ड जो मेथड है वो मेथड हमारे सामने होगा, ऑल प्रोग्राम्स पर आएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में आने के बाद यहाँ पर हम लोग ढूंढ लेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर के अंदर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर मेरे पास अवेलेबल होंगे वो सारे यहाँ पर खुल गए। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट इन्फो पाथ डिज़ाइनर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट इन्फो पाथ फिलर है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 है, पब्लिशर का एक सॉफ्टवेयर है, तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट है। इस तरीके से बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से अभी हम लोगों को जो सॉफ्टवेयर ऑन करना है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। जैसे ही सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए विंडो हमारे सामने ओपन हो गई है। अब हम इस सॉफ्टवेयर को और आगे पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर हमारा ऑन हो गया है। इस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम होता है .pptx। जब कभी आपसे कोई PPT के बारे में कुछ पूछे, यानी कि आपने प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है, यानी अपनी पावर पॉइंट फाइल के बारे में बताना है, तो आपका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है .pptx। देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं .pptx, ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है सॉफ्टवेयर का। तो चलिए सॉफ्टवेयर के बारे में पहले एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिकली पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है इसका इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए करते हैं। प्रेजेंटेशंस किस तरीके से बनती हैं, जैसे हम लोग अपनी किसी भी चीज़ को दिखाना चाहते हैं, यानी कि उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारा पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट के या MS ऑफिस के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग जिस वर्जन को पढ़ रहे हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। तो अब हम इसके लेआउट के बारे में समझ लेते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से मैं ये चाहूँगी कि आप इस लेआउट को अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें। लेआउट का मतलब जैसी स्क्रीन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक रफली स्क्रीन अपनी कॉपी पर ड्रॉ कर लें, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि कौन से सेक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं और उनकी डिटेल्स को समझ सके।
और जैसे जैसे हम लोग ऑप्शंस पढ़ते जाएंगे उन ऑप्शंस को भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उन नोट्स के थ्रू अपने हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे ऊपर मेरे सामने जो एक टूल बार आ रही है इसको हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में जितने भी ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्विकली इस्तेमाल कर सकते हैं, उन ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर दिया होता है। तो ये हमारी होती है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार पे हमने जैसे यहाँ पर देखिए मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है सेव, यानी कि हम फाइल सेव करा सकते हैं। यहाँ पे अगला ऑप्शन आ रहा है अंडू, यहाँ से हम फाइल को बैक करा सकते हैं यानी पीछे ले करके जा सकते हैं। इसी के बाद रीडू का ऑप्शन आएगा, अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि जब अंडू का ऑप्शन चलता है तभी रीडू चलता है। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग देखने को हमें मिलते हैं। हो सकता हो आपके सामने यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आ रहे हो, क्योंकि इसके पीछे एक बेनिफिट होता है। अगर हम ये जो एक एरो हमें दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। हो सकता हो मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर सेव लिखा है, लेकिन हो सकता हो जब आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हों तो यहाँ पर सेव की जगह कुछ और ऑप्शन आ रहा हो। तो इसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि हम चाहें तो अपने हिसाब से इसमें चेंजेस करवा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर होता है कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार। मान लीजिए आप सेव का ऑप्शन नहीं चाहते हैं तो आपने सेव को बंद कर दिया, और किस ऑप्शन को चाहते हैं आप वो ऑप्शन यहाँ से ऑन करा लीजिए। जैसे आप चाहते हैं न्यू का ऑप्शन, तो ये देखिए यहाँ पर अभी सेव का आइकन आ रहा था वो चला गया, अभी यहाँ पर सेव न्यू का ऑप्शन आ गया है। तो इस तरीके से हम अपनी इस टूल बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कोई भी ऑप्शन हटा सकते हैं, अगर हम चाहें तो कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हम उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मोर कमांड। मोर कमांड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी ऑप्शन हमें पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर के अंदर मिलते हैं वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे तो पावर पॉइंट ऑप्शंस का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, और इस डायलॉग बॉक्स में वो सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिलेंगे जो ऑप्शन पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होते हैं। जिसमें से कुछ ऑप्शंस देखिए यहाँ पर इस टूल बार में ऐड हैं, जैसे कि न्यू का ऑप्शन ऐड हुआ है, एनिमेशन स्टाइल ऐड हुआ है, स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग का ऑप्शन इस्तेमाल हुआ है, रीडू और अंडू का ऑप्शन हमने इसमें ऐड किया हुआ है। अगर हम इसके अलावा कोई और ऑप्शन चाहते हैं तो पावर पॉइंट ऑप्शंस के डायलॉग बॉक्स में हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने कहा हमें टेबल का ऑप्शन चाहिए, तो हमने टेबल के ऑप्शन को सेलेक्ट किया और ऐड के पर क्लिक कर दिया, तो देखिए टेबल का ऑप्शन मेरी क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पर ऐड हो गया है। अगर हम इसको अब यहाँ से ओके कर देते हैं तो ये देखिए टेबल का ऑप्शन मेरी इस टूल बार में यहाँ पर ऐड हो गया। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो ये क्विक एक्सेस टूल बार को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से इसमें हम जैसा चाहें वैसा चेंजेस करा सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पर शो बिलो दी रिबन, इस पर क्लिक करते हैं तो अभी अगर हम ध्यान दें तो मेरी टूल बार सबसे ऊपर आ रही है, यानी कि ये जो पोर्शन है जहाँ पर होम और इंसर्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर की तरफ आ रही है। अगर हम चाहें कि इसके नीचे आ जाए तो हम यहाँ से कर देंगे शो बिलो दी रिबन, इस पर क्लिक, तो ये जो रिबन आ रहा था यहाँ पर इसके नीचे की तरफ मेरे ये सारे ऑप्शंस आने लगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ मेरी टूल बार आ गई। इस पर दोबारा क्लिक करें और यहाँ पर कर दें शो अबव दी रिबन, इस पर क्लिक, तो ये देखिए मेरी जो रिबन थी या मेरी जो टूल बार थी वो रिबन के ऊपर आने लगी। तो इस तरीके से हम इसकी पोजीशन को अप या फिर डाउन की पोजीशन पर सेट कर सकते हैं और इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो ये है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन वन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोडक्ट एक्टिवेशन फील्ड, मतलब ये तो ऑप्शनल ले लिखा हुआ है मेरी फाइल पर, लेकिन ये लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन वन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो ये मेरी पावर पॉइंट की फाइल है, ये इसका हमें टाइटल बता रहा है, यानी कि प्रेजेंटेशन वन मेरी फाइल का टाइटल है। तो इस वजह से हम इसको टाइटल बार कहते हैं, ये जो टूल बार हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये मेरी टाइटल बार है जो कि हमें फाइल का टाइटल और हमारे सॉफ्टवेयर का टाइटल दोनों ही चीज़ें दिखाता है, यानी कि
हमने फाइल अगर किसी नाम से सेव करी होती तो हमें यहाँ पर उस फाइल का नाम दिखा रहा होता, और अभी तो मेरी फाइल सेव नहीं है, इस वजह से यहाँ पर हमें दिखा रहा है प्रेजेंटेशन वन। और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पर दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर का क्या टाइटल है, यानी कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम हमें शो करता है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर टाइटल बार के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर तीन बटन्स आ रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रीस्टोर डाउन, और थर्ड इज़ क्लोज बटन। अगर हम मिनिमाइज करते हैं तो हमारी जो स्क्रीन अभी हमें हमारे सामने दिखाई दे रही है ये विंडो हमारी मिनिमाइज हो जाएगी और हमारी नीचे टास्क बार अवेलेबल होती है वहाँ पर चली जाएगी, यानी कि सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता है, सिर्फ स्क्रीन जो है वो छोटी होकर के नीचे टास्क बार पर चली जाती है। यानी अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये देखिए, अब अगर हम टास्क बार पे आए तो देखिए यहाँ पर मेरा ये खुला हुआ है प्रेजेंटेशन वन, तो ये हमें दिखा रहा है कि हमारी प्रेजेंटेशन वन यहाँ पर टास्क बार में अवेलेबल है। अगर हम इसी पर दोबारा क्लिक करें तो यहाँ पर मेरे सामने इस तरीके की स्क्रीन दोबारा ओपन हो जाएगी जो हमने ऑन कराई थी। तो ये हमारा मिनिमाइज का ऑप्शन है जिससे हम विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड जो ऑप्शन है वो है हमारे सामने रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन क्या करता है, जो हमारी विंडो है अगर हम इसको चाहें तो रीस्टोर करा सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो देखिए विंडो का साइज़ छोटा हो गया, यानी कि अब अगर हम चाहें तो इसका साइज़ अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, लेफ्ट या राइट पोजीशन से या फिर अप एंड डाउन पोजीशन से। तो इस तरीके से हम इनकी पोजीशन में चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर रीस्टोर डाउन का ऑप्शन इस्तेमाल करके। लेकिन देखिए अभी अगर हम इस बटन पे जा रहे हैं तो ये हमारा रीस्टोर ना दिखा करके अब दिखा रहा है मैक्सिमाइज का ऑप्शन, यानी कि जब हम लोग रीस्टोर पोजीशन पर होंगे तो यही बटन मैक्सिमाइज बन जाएगी, और जब मैक्सिमाइज ऑप्शन विंडो पर होंगे तो यही बटन हमारी रीस्टोर बटन बन जाएगी। यानी कि अभी अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग इसको कर लेंगे मैक्सिमाइज, तो ये विंडो हमारी इस तरीके से मैक्सिमाइज होकर के यानी कि फुल स्क्रीन पर आ जाएगी, और दोबारा क्लिक करें तो फिर से रीस्टोर हो जाएगा और हम इसमें साइज़ में जैसा चाहें वैसा चेंजेस करा के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इनको सेट करा सकते हैं। तो ये हमारा था रीस्टोर और मैक्सिमाइज का ऑप्शन, बटन एक ही होती है लेकिन ये काम दो तरीके से करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा आ रहा है वो है क्लोज बटन। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा ये सॉफ्टवेयर जो खुला हुआ है ये बंद हो जाएगा, हम इस पर क्लिक कर दें तो ये सॉफ्टवेयर हमारा क्लोज हो जाएगा। फिलहाल अभी हम क्लोज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे की चीज़ें समझनी है। तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, फाइल का ऑप्शन है, होम का ऑप्शन है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशंस हैं, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो हमारे ऑप्शन हैं इनको हम लोग कहते हैं टैब, यानी कि फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब, इस तरीके से इनको जो हम लोग जानते हैं वो टैब के नाम से जानते हैं। नीचे आते हैं अगर तो इन्हीं टैब में ये सब रिबन्स होते हैं, यानी ये क्लिपबोर्ड का रिबन है, ये स्लाइड्स का रिबन है, ये फॉन्ट का रिबन है, ये पैराग्राफ का रिबन है, ये ड्राइंग का, ये एडिटिंग का, यानी कि ये जो इस तरीके से आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा रिबन होता है, ये इस तरीके से ये हमारा रिबन होता है, फॉन्ट का रिबन है, पैराग्राफ का रिबन है, ड्राइंग का रिबन है और एडिटिंग का रिबन है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमें देखने को मिल रही हैं हमारी स्लाइड्स, ये स्लाइड्स हैं हमारी पहली स्लाइड, इसी के बाद हम अगर चाहें दूसरी स्लाइड लेना है हमें तो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एम, अगर हम कंट्रोल प्लस एम दबाएँ तो देखिए पहली स्लाइड आ गई, फिर इसके बाद ये दूसरी स्लाइड आ गई। कंट्रोल प्लस एम दबाने से हम लोग अगली स्लाइड्स ले सकते हैं जहाँ पर चाहें उसके बाद, कंट्रोल प्लस एम अगर हम लोग प्रेस करें तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को ले सकते हैं, और ऐसे ही हम लोग मल्टीपल स्लाइड्स ले सकते हैं कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हुए। तो ये हमारी कंट्रोल एम से नई स्लाइड्स आती जाती हैं, आप इस पर जैसे काम करना चाहें वैसे कर सकते हैं, इनके बारे में अभी हम लोग जानेंगे।
तो ये हमारे सारे ग्रुप्स हो गए, ग्रुप्स में ये सारे हमारे ऑप्शंस हो गए जो हमें ऊपर देखने को मिल रहे हैं, जिनको अभी हम लोग सीखेंगे। ये हमारी स्लाइड्स हो गई, कंट्रोल प्लस एम से हम लोग स्लाइड्स ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखिए ये स्लाइड्स के एक तरीके से हम देखें तो हमें प्रीव्यू दिखा रहे हैं और हम काम जो एक्चुअल करेंगे वो यहाँ पर होता है। मतलब हम कुछ भी इधर करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा था कंट्रोल प्लस एम, देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है देखने को, यानी कि आप चेंजेस यहाँ नहीं कर सकते हैं, आपको जो काम करना है वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा करके, और उसका एक छोटा सा प्रीव्यू आप कह सकते हैं या स्लाइड्स जो आ रही हैं वो आपकी दिखाता है यहाँ पर कि आपने पूरी एग्जैक्ट स्लाइड पर क्या काम किया है, टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स आपने कितनी ली हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखिए ये रूलर आ रही है, ये है वर्टिकल रूलर और ये है हॉरिजेंटल रूलर, ये हमें यहाँ देखने को मिलेगी। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर ये स्क्रोल वाला बार आ रही है, स्क्रोल बार पेज या स्लाइड्स को ऊपर नीचे करने के लिए। ऊपर कर रहे हैं तो देखिए पहली स्लाइड पर आ गए, नीचे आए तो सेकंड स्लाइड, और नीचे आए तो देखिए थर्ड स्लाइड पर आ गए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऊपर और नीचे करने के लिए स्क्रोल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपने कीबोर्ड से पेज डाउन की एक की मिलेगी, आप अपने कीबोर्ड में ढूंढिए, पेज डाउन के नाम से एक की मिलेगी आपको। पेज डाउन से आप अपनी स्लाइड नीचे आ सकते हैं, और अगर आप पेज अप करेंगे तो आप स्लाइड्स में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए हम अभी इस टाइम पर माउस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अपने कीबोर्ड से पेज डाउन नीचे आने के लिए और पेज अप ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बिना माउस इस्तेमाल करे भी स्लाइड्स को ऊपर या फिर नीचे करा सकते हैं। तो ये हमारा पेज अप और पेज डाउन के ऑप्शन से भी हो जाएगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें देखने को मिल रहा है ये क्लिक टू ऐड नोट्स, ये नोट पेज होता है। नोट्स पेज का काम क्या होता है कि जैसे हमने स्लाइड ली है, इस स्लाइड के बारे में अगर आप कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो आप इस अपने नोट पेज पर कर सकते हैं। नोट पेज प्रिंट में ऑप्शनल होते हैं कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ये शो के टाइम पर नहीं आते, यानी कि जब आप प्रेजेंटेशन अपनी शो करवाएंगे तो उस टाइम पर ही आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम चाहें तो इसको हम ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से हम अप ले सकते हैं, यानी हम नोट्स का साइज़ चेंज कर सकते हैं, और डाउन करना चाहें तो उसको नीचे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा नोट पेज अवेलेबल होता है। इसके नीचे जो आपको ये अगली टूल बार दिखाई दे रही है, ये हमारी होती है स्टेटस बार। स्टेटस बार देखिए सबसे पहले दिखा रहा है स्लाइड्स वन ऑफ थ्री, यानी कि हमने जो स्लाइड्स ली हैं जिसमें से हम पहली स्लाइड पर हैं और टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं थ्री, तो ये हमें स्टेटस दिखा रहा है हमारी स्लाइड्स का। उसके बाद हमने जो थीम या हमने अपने फाइल पर जो थीम अप्लाई कर रखी है या डिफ़ॉल्ट अप्लाई है, अभी तो थीम हम आगे सीखेंगे कैसे अप्लाई होती है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। इंग्लिश यूएस हम लोग ने लैंग्वेज जो यूज़ करी है वो दिखा रहा है यहाँ पर, यानी हमारे माउस हमारे सॉफ्टवेयर का करंट स्टेटस हमें दिखा रहा होता है, इस वजह से हम इसको स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर ये है नॉर्मल, यानी कि ये जो व्यू हमें देखने को मिल रहा है ये हमारा नॉर्मल व्यू है। हम कई तरीके से अपनी स्लाइड्स को देख सकते हैं, जब हम लोग यहाँ पर व्यू टैब पढ़ेंगे तो तब भी हम इनके बारे में सीखेंगे, लेकिन अभी हम जहाँ पर हैं तो ऐसे ही इसमें ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं जो व्यू में आते हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं, नॉर्मल है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है स्लाइड शॉर्टर। देखिए स्लाइड शॉर्टर क्या कर रहा है, सारी स्लाइड्स को शॉर्ट में लगा के हमें दिखा रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं रीडिंग व्यू, तो इस तरीके से हमें इतनी बड़ी स्क्रीन दे देता है जिससे हम उसको प्रॉपरली पढ़ सकें, और अगर हम चाहें तो यहाँ से नेक्स्ट आगे जा सकते हैं, और अगर हम प्रीवियस करते हैं तो पहले जा सकते हैं। और लास्ट जो हमारा व्यू होता है वो होता है स्लाइड शो व्यू, यानी कि फुल स्क्रीन पर आ जाता है जिसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं आ रहे होते, लेकिन अगर हम रीडिंग व्यू पर हैं तो रीडिंग व्यू में हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हमने एस्केप की प्रेस करी और वापस अपने इस व्यू पर आ गए, और अगर हमें नॉर्मल व्यू करना है तो हमने नॉर्मल व्यू पर क्लिक करा तो ये हमारा आ गया। जब भी हम स्लाइड शो व्यू पर होंगे तो वापस आने के लिए हमें यहाँ पर एस्केप की का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद हम इन तीनों में से कोई भी व्यू चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए स्लाइड के साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये जो हमने साइज़ लिया हुआ है वो क्या हमें देना है वो हम यहाँ से दे सकते हैं। अभी जो अप्लाइड है वो 70% है, जूम आउट करना है यानी छोटा करना है स्लाइड तो छोटा कर सकते हैं, बढ़ाना है अगर स्लाइड तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं।
तरीके से अगर हमने कुछ ऐसा साइज़ कर दिया कि हमारी स्लाइड नहीं एडजस्ट हो पा रही है, तो उसके लिए यहाँ पर लास्ट ये ऑप्शन होता है फिट स्लाइड टू करंट विंडो। तो आपके साइज़ की स्लाइड आपके विंडो के हिसाब से फिट कर देगा। तो स्टेटस बार में हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिनको हम चला करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि किस ऑप्शन से क्या चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा स्टेटस बार का ऑप्शन था। और जो लास्ट हमारी टूल बार आती है वो होती है हमारी टास्क बार। टास्क बार में जितने भी सॉफ्टवेयर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर जो खुले होंगे वो हमें देखने को मिलते हैं। और जहाँ पर हमारे सामने स्टार्ट बटन यानी कि विंडो बटन आती है वहाँ पर हम लोग देखते हैं वो टूल बार हमारी टास्क बार होती है। तो ये हो गया हमारा इस सॉफ्टवेयर का पूरा लेआउट का डिस्क्रिप्शन कि किस सेक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं और जो जो सेक्शंस डिवाइडेड हैं उनका क्या काम होता है और उनको हम लोग कैसे जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सॉफ्टवेयर की। इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत करने से पहले हम लोग ऑप्शंस पे जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा काम पहले करके आपको बता देते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस पर काम करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने एक स्लाइड ली थी तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा था टाइटल, तो आपने डाल दिया .vptx। हमने यहाँ पर अगर इसका कोई सब टाइटल है तो वो दे दिया, जैसे हमने दे दिया PowerPoint 2010। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। उसके बाद अगर सेकेंड स्लाइड पर हम आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार टाइटल दें, आप नहीं देना चाहते हैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, आप टाइप कर लीजिए यहाँ पर। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर नीचे कुछ आइकन्स देखने को हमें मिल रहे हैं। इसमें टेबल है, चार्ट है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है। आप इसमें से भी किसी पर क्लिक करके अपने इस पर वो चीज़ इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे आपको टेबल चाहिए, आप टेबल पर क्लिक कर लीजिए तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रो कितने रहें, वो दे दीजिए। आपने कहा 5 कॉलम्स और 5 रो हमें चाहिए, ओके, तो देखिए टेबल आ जाएगी। तो इस तरीके से जितने आइकन्स आपको देखने को मिल रहे हैं आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके उन आइकन्स पर आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर बुलेटेड लिस्ट प्रोवाइड हो रही है तो यहाँ पर हमने उसके हिसाब से बुलेट लिस्ट तैयार कर ली है। उसके बाद थर्ड स्लाइड पे है तो देखिए हमें फिर से यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है। आप लेना चाहें तो टाइप कर लीजिए, नहीं लेना चाहते तो आप छोड़ सकते हैं या फिर इनमें से कुछ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स पर काम करना सीखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग इन पर काम करते हैं। एक चीज़ और जान लेते हैं यहाँ पर, स्लाइड शो की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F5। यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो शॉर्टकट की समझी है वो थी कंट्रोल M, जिसमें हमने आपको बताया था कि हम लोग कहीं पर भी, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर्सर प्लेस किया हुआ है और अब अगर हम कंट्रोल M दबाएं तो देखिए मेरे पास एक और स्लाइड बीच में इंसर्ट हो गई। यानी कि हम किसी भी पोजीशन पर कंट्रोल M से स्लाइड इंसर्ट करा सकते हैं और उन इंसर्ट करी हुई स्लाइड्स पर हम कुछ भी टाइप करना चाहें वो हम टाइप करा सकते हैं। लेकिन जो अभी हमने आपको शॉर्टकट की बताई है, स्लाइड शो के शॉर्टकट की होती है F5। तो स्लाइड शो अभी हमने यहाँ पर देखिए स्टेटस बार में भी आपको बताया था कि ये होता है स्लाइड शो का ऑप्शन। आप यहाँ से क्लिक करके भी ले सकते हैं या फिर आप इसकी शॉर्टकट की होती है F5 उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली स्लाइड शो तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी हम लोग कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो प्रेजेंटेशन जब भी हमें फुल स्क्रीन पे शो करानी है, यानी कि अभी हमारे सामने जो प्रेजेंटेशन खुली है, अगर हम चाहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन मेरे पास फुल स्क्रीन पर आ जाए तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं F5। तो ये देखिए हमने शॉर्टकट की प्रेस करी F5, तो F5 से हमारी प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन मोड पर आ गई है, जिसमें हमारे सामने पहली स्लाइड आ रही है जिसमें एक्सटेंशन नेम लिखा था हमने .pptx PowerPoint 2010। अगर हम एंटर करके आगे जाते हैं तो सेकंड स्लाइड पर हमने एजुकेशन लिखा था, थर्ड स्लाइड पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इस तरीके से मैंने टाइप किया था। एंड फिफ्थ स्लाइड पर दो शॉर्टकट कीज जो मैंने आपको बताई हैं, एक है Ctrl+M और एक है F5, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और दोबारा एंटर करेंगे तो एंड ऑफ स्लाइड शो क्लिक टू एग्जिट, अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप एक बार दोबारा एंटर की प्रेस कर दीजिए या फिर एस्केप बटन दबा दीजिए तो आप अपने वापस नॉर्मल व्यू पर आ जाएंगे जिस पर हम लोगों ने काम किया था।
तो F5 होती है स्लाइड शो, यानी कि फुल स्क्रीन पर देखने की शॉर्टकट की। तो ये हमारा इस तरीके से पावर पॉइंट का पूरा डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन हो चुका है, हमने दो शॉर्टकट की इसके बारे में भी जान लिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन ऑप्शंस को लाइन से सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है यहाँ पर फाइल का ऑप्शन। फाइल पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सेव। तो अभी तो हमारी एक फ़ाइल जो हमने बनाई है वो नई फाइल है, कुछ भी हमें यहाँ पर काम अभी सेव नहीं किया है। तो जब भी हमें फ़ाइल को सेव कराना होगा तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने जो काम किया है अभी हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमने ये टोटल 4 स्लाइड जो ले रखी है इनको हम सबसे पहले सेव करना सीखेंगे। तो फाइल पे आ जाएंगे, सेव एज के ऑप्शन पे आ जाएंगे और इसमें से जहाँ पर आपको अपनी फ़ाइल सेव करनी हो, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, आपको वो लोकेशन बतानी पड़ेगी कि आपकी फ़ाइल किस प्लेस पर सेव हो जाए। तो वो आप लोकेशन चूज़ कर लीजिए इस तरीके से, और फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे आपने चूज़ कर लिया डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पर एक नाम दे दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर नाम दे दिया एजुकेशंस, तो ये हमारा यहाँ पर नाम हो गया। देखिए एक्सटेंशन नेम ऑलरेडी नीचे आपको शो कर रहा है .pptx, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका यूज़र नेम शो करेगा। इस तरीके से आप फाइल का नाम दे करके इसको यहाँ से सेव करा सकते हैं। और ये फाइल का अब हमने जो टाइटल दे दिया है वो हो गया है एजुकेशंस के नाम से। तो देखिए यहाँ पर टाइटल बार पर अभी तक जहाँ पर प्रेजेंटेशन 1 दिखा रहा था, अब वहाँ पर ये नाम शो कर रहा है edgeeducations.pptx। तो ये हमारी फ़ाइल अब इस नाम से सेव हो गई है। तो जब भी कभी हमें फ़ाइल को नाम देना होता है तो उस टाइम पर हम लोग जिस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं वो होता है सेव एज। तो उसके बाद हमने फ़ाइल को सेव, तो सेव नाम दे दिया है और सेव करा लिया। मान लीजिए अब आपने कुछ चेंजेस किए, जैसे आपने ये जो थर्ड स्लाइड थी ये आपको नहीं चाहिए, तो आपने इसका मैटर सेलेक्ट किया और या इस स्लाइड को सेलेक्ट करके आपने यहाँ से अपने कीबोर्ड से बटन दबा दी डिलीट। तो देखिए थर्ड स्लाइड पे जो मैटर लिखा था ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, वो चला गया। तो अब आपने जो स्लाइड हटाई है, अभी आप चाहते हैं कि वो मैटर आपने जो चेंजेस किए हैं वो भी आपकी फ़ाइल में सेव हो जाएं, तो उसके लिए हम लोग जो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं वो होता है सेव। यानी कि जब भी कभी कोई फ़ाइल में बदलाव किया जाए और उस बदलाव को आपको अपनी फ़ाइल पर रखना है, तो उसके लिए हम लोग सेव का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अब हमें फ़ाइल को नाम दोबारा नहीं देना है, क्योंकि हम नाम दे चुके हैं और चेंजेस की हुई फ़ाइल हमारी सेव हो जाए, तो उसके लिए हम लोग सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये फ़ाइल हमारी सेव हो जाएगी। तो ये हमारा था सेव और सेव एज का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है ओपन। तो ओपन जैसा इसका नाम इसको डिफाइन करता है, ओपन का मतलब होता है खोलना। तो जब भी हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और हम इसमें से जो फाइल खोलना चाहें वो फाइल खोल सकते हैं। हालांकि अभी मेरे पास और कोई फाइल बनी नहीं है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही फाइल सेव करी है। तो फाइल हमें यहाँ पर दिखा रहा है, अगर हम इसको खोलना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लें और ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करें तो वो फाइल मेरे सामने खुल करके आ जाएगी। तो ये हमारा था ओपन का ऑप्शन। नेक्स्ट है क्लोज का ऑप्शन। क्लोज के ऑप्शन पे आते हैं तो हमारी फाइल बंद हो गई। तो अब हम खोलें अगर ओपन के ऑप्शन से, तो ये देखिए एजुकेशंस ओपन, तो ये देखिए ओपन हो गई मेरी फाइल। तो क्लोज से हम लोग फाइल क्लोज कर सकते हैं और ओपन के ऑप्शन से हम लोग फाइल खोल के देख सकते हैं। अगर हम लोग क्लोज का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फ़ाइल बंद होती है, ना कि सॉफ्टवेयर। देखिए यहाँ पर फाइल में दो ऑप्शन है, एक है क्लोज और सबसे लास्ट एक ऑप्शन दिया गया है एग्जिट। अगर हम लोग क्लोज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फ़ाइल बंद हो जाएगी, यानी कि जो फाइल खुली हुई है देखिए ये बंद हो गई, सॉफ्टवेयर अभी भी मेरा खुला हुआ है। अगर हम सॉफ्टवेयर को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग एग्जिट करते हैं। तो अभी तो हमें नहीं क्लोज करना है, अभी हम लोग ओपन पर आ जाएंगे और अपनी इस फाइल को यहाँ से करा लेंगे ओपन। तो ये फाइल मेरे सामने ओपन हो गई। देखिए हमने थर्ड स्लाइड डिलीट कर दी थी, तो अब मेरे सामने जो फाइल आ रही है वो सिर्फ उस तीन ही स्लाइड को दिखा रहा है जो स्लाइड हमने लास्ट सेव करी थी, यानी जिस पे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखा था वो स्लाइड मेरे सामने नहीं आ रही है। तो ये मेरा था
ओपन और क्लोज का ऑप्शन। अगला ऑप्शन है इन्फो। इन्फो के ऑप्शन पर आते हैं तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन पैनल होता है जो हमें शो करता है हमारी फ़ाइल के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या शो कर रहा है कि फ़ाइल का साइज़ क्या है, हमने टोटल स्लाइड्स कितनी ली हैं, अगर कोई हिडन स्लाइड है यानी कोई स्लाइड ऐसी है जो आपने हाइड कर रखी है उसके बारे में बताएगा। आपने टाइटल क्या दिया है, सबसे पहले PPTX दिया है। अगर आप कोई टैग देना चाहते हैं अपनी फ़ाइल को तो दे सकते हैं। अगर कोई कैटेगरी ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड करा सकते हैं। रिलेटेड डेट्स, लास्ट मॉडिफाइड टुडे 1 PM एंड क्रिएटेड ऑन 12:36 PM, यानी कि ये कब बनाई गई है, कब मॉडिफाई किया गया है। अगर इस फाइल को आपने कभी प्रिंट किया होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन शो करेगा। तो इन्फो बेसिकली एक पूरी तरीके से फाइल की इन्फॉर्मेशन हमें शो कराता है। रिलेटेड पीपल जो इस फाइल से रिलेट कर रहे हैं, अगर उसका आप ऑथर नेम देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। किसने बनाई है और लास्ट मॉडिफाइड कब हुई है ये फ़ाइल उसके बारे में बता रहा है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ओपन फाइल लोकेशन, फाइल कहाँ पर सेव है आपकी डॉक्यूमेंट में, यानी कि विवेक माई डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर ये फाइल सेव है, तो इसकी लोकेशन आपको खोल करके दे देगा। इस तरीके से हम यहाँ पर पूरी फाइल की डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है रीसेंट। इस पर क्लिक करते हैं तो रीसेंट में हमें सबसे पहले जो फाइलें हमने रिसेंटली ऑन करी हैं, यानी इस सॉफ्टवेयर पर अगर हमने इससे पहले कोई दूसरी फाइल खोली होगी तो उसके बारे में दिखाता है। तो रिसेंटली इसमें जितनी भी फाइलें खोली गई होती हैं उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पर शो करता है। तो ये रिसेंट का ऑप्शन है। उसके बाद हमारा यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है वो है न्यू। न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे सामने कुछ न्यू पेजेस के ऑप्शन आ जाएंगे, यानी कि न्यू स्लाइड्स हम लोग ले सकते हैं। कुछ बनी हुई स्लाइड्स भी होती हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, हम उनको भी यहाँ पर ले सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन। हम जैसा भी चूज़ करेंगे हमको यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा और पीछे हमारी जहाँ पर फाइल पर हम काम कर रहे थे वहाँ पर वैसा ही ऑप्शन आ जाएगा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन अगर हम लेते हैं और क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास फिर से एक नई फाइल आ गई है जिसका टाइटल है प्रेजेंटेशन 2, यानी कि हमने फिर से एक नई फाइल ले ली। हालांकि इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल N ही होती है जो बाकी सारे न्यू पेजेस के लिए ज़रूरत यूज़ करते हैं हम लोग, वही यहाँ पर भी इस्तेमाल होती है। उसके बाद आता है रीसेंट टैम्पलेट्स। अगर हमने रिसेंटली कोई टैम्पलेट्स इस्तेमाल किए हैं, देखिए यहाँ पर हमने ये एक टैम्पलेट इस्तेमाल किया है इससे पहले और इससे पहले हमने ये टैम्पलेट इस्तेमाल किया है और वही आप फिर से चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। तो रिसेंटली हमने जो भी टैम्पलेट्स का इस्तेमाल किया है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बेसिकली टैम्पलेट्स एक तरीके से प्री डिफाइन हमारे फाइल्स होती हैं, हम उनमें अपने हिसाब से चेंजेस करा सकते हैं और अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो रिसेंटली हमने जो टैम्पलेट्स इस्तेमाल किए हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर दिखा रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो है सैम्पल टैम्पलेट्स। उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ सैम्पल टैम्पलेट्स हमें देखने को मिल रहे होते हैं। इसमें से हम जो टैम्पलेट चाहते हैं बस उस पर क्लिक करें और क्रिएट पर क्लिक कर दें तो ये देखिए वो टैम्पलेट हमारे पास यहाँ पर ओपन हो गया। अब इसमें आप अपने हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई कर लीजिए, अपने हिसाब से आप क्रिएट कर लीजिए और उसको आप बना सकते हैं। तो ये कुछ बने हुए टैम्पलेट्स हैं देखिए, जिनके यहाँ पर यहाँ इस तरीके से डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं और जब इनको आप F5 करेंगे तो ये इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन मोड पर देखने को मिलेंगी। तो ये हमारे कुछ क्रिएटेड टैम्पलेट्स होते हैं, इनको हम ले सकते हैं। उसके बाद आता है थीम्स का ऑप्शन। थीम्स के ऑप्शन पर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें थीम्स देखने को मिलती हैं। टैम्पलेट्स और थीम्स में डिफरेंस ये होता है कि टैम्पलेट्स में हमें हर एक स्लाइड पर इंडिविजुअल डिज़ाइंस और फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन थीम्स हम जो लेते हैं वो सारी स्लाइड्स पर एक जैसी ही आएंगी। जैसे हम इसमें से ये थीम चूज़ कर लेते हैं और क्रिएट करते हैं तो देखिए एक ही स्लाइड आई है जिस पर ये थीम अप्लाई है। अगर हम इसके बाद कंट्रोल M से कोई स्लाइड लेंगे तो वो वही थीम को फॉलो करेगा जो पहली थीम हमारी अप्लाई थी। तो इसमें हमें न्यू के ऑप्शन में ये थीम का ऑप्शन है जो हमने यहाँ पर देखी, बहुत सारी हमें बनी हुई मिलती हैं, यहाँ से हम ले सकते हैं। बैक करते हैं अगर हम यहाँ से, तो जब हम लोग टैम्पलेट्स इस्तेमाल कर रहे थे तो ये टैम्पलेट्स हमें स्लाइड्स देते हैं और जब हमने थीम्स का इस्तेमाल किया तो थीम्स हमें थीम्स प्रोवाइड करती हैं। माई टैम्पलेट में अगर आप कोई टैम्पलेट बना करके सेव कराते हैं
तो उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमने टैम्पलेट को पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसमें कोई चेंजेस देख पाएंगे। तो जब हमने यहाँ पर माई टैम्पलेट पर क्लिक किया तो देखिए कुछ माई टैम्पलेट्स में यहाँ पर टैम्पलेट सेव्ड हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया तो वो टैम्पलेट हमारी स्लाइड पर ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टैम्पलेट्स कुछ खुद के बनाए हुए देखने को मिलेंगे, आप उसको ले सकते हैं। न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपके कुछ सेव होंगे यहाँ पर तो आप उसको लेकर के ओपन करा सकते हैं। तो इस तरीके से ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी खाली प्रेजेंटेशन हमारे सामने आ जाएगी जिस पर हम अपने हिसाब से काम करा पाएंगे। रीसेंट में हमने देखे जो जो रिसेंटली इस्तेमाल किए वो सारे हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद सैम्पल में सैम्पल टैम्पलेट्स आ जाएंगे, थीम्स में थीम्स मिलेंगी, माई टैम्पलेट्स में टैम्पलेट्स कुछ और सेव्ड होंगे और न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग में आप बना करके सेव करा सकते हैं। यानी कि जब आप न्यू का इस्तेमाल करेंगे तो इतने तरीके से आप अपने पेज पर स्लाइड्स ले सकते हैं। उसके बाद आता है office.com टैम्पलेट्स, यानी कि ये हमें ऑनलाइन भी प्रोवाइड होते हैं। अगर आपके सिस्टम पर इंटरनेट कनेक्ट होगा तो आप इसमें से किसी भी टैम्पलेट को लेकर के ऑनलाइन काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है प्रिंट का ऑप्शन। अब अगर हमें स्लाइड को प्रिंट करना है तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, तो प्रिंट पे हमने क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर जो हमारी फाइल है डायरेक्टली प्रिंट के लिए चली जाएगी। ये देखिए इस तरीके से दिखा रहा है, प्रिंटिंग पेज 4, प्रिंटिंग पेज 5, 6। तो इसके लिए हमारे पास प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए और उसके सेटिंग्स को समझने के लिए हम इस ऑप्शन पर आए हैं। यहाँ पर है सबसे पहले कॉपीज़ का ऑप्शन, अभी तो हम इसको बंद कर रहे हैं क्योंकि अभी तो हमें पहले प्रिंटर की सेटिंग सारी समझनी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कॉपीज़ का ऑप्शन है यानी कि जो स्लाइड आपको दिख रही है इसकी कितनी कॉपीज़ आपको चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं। एक कॉपी चाहिए, दो कॉपी चाहिए, तीन कॉपी चाहिए, वो कॉपीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आता है प्रिंटर, आपको अपना प्रिंटर का नाम भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो प्रिंटर कनेक्ट हैं, एक कलर प्रिंटर है और एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, तो आपके ऊपर है कि आप कलर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से। तो इसमें से जो भी प्रिंटर आपके पास कनेक्टेड हो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो वो प्रिंटर आपने जैसे चूज़ कर लिया HP LaserJet, उसके बाद देखिए हमने जैसे HP LaserJet चूज़ किया यानी कि उस पर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ही निकलेगा, तो उसका देखिए प्रीव्यू चला गया। अगर हम OneNote पे ले रहे थे देखिए कलर में दिखा रहा था अभी। तो उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर प्रिंट ऑल स्लाइड्स, अगर आप सारी स्लाइड्स प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑल स्लाइड्स। प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे कहेगा कि आप सिलेक्शन ले लीजिए कि कितना आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करंट स्लाइड, सिर्फ वो करंट स्लाइड ही प्रिंट करके देगा जो खुली है। इस तरीके से आप प्रिंटर के अलग अलग ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्लाइड का नंबर भी दे सकते हैं। जैसे आपने कहा कि हमें सिर्फ सेकंड स्लाइड प्रिंट करानी है तो आप चूज़ कर लीजिए, या आप चाहते हैं आपको सिर्फ पहली स्लाइड प्रिंट करानी है, या आपको पहले से लगा करके पाँचवीं स्लाइड तक प्रिंट कराना है, तो वो आप यहाँ पर नंबर ऑफ सीरीज दे सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर प्रिंटर का ऑप्शन होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक स्लाइड्स प्रिंट करनी है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आता है फुल पेज स्लाइड्स, एक पेज पर एक ही स्लाइड आए या एक पेज पर एक स्लाइड के साथ उसका, अगर आपने नीचे कोई नोट्स लिखे हैं जो आपको नोट्स देखने को मिले थे, मैंने आपको बताया था कि ये नोट पेज होता है, वो भी आएगा। आउटलाइन पेज आए तो आउटलाइन पेज भी आएगा। आप चाहते हैं एक पेज पर एक स्लाइड आए, एक पेज पर दो स्लाइड्स आएँ, या एक पेज पर तीन स्लाइड्स आएँ, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनका ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और उनके हिसाब से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रिंट की जो वो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी आप चूज़ कर लीजिए कि स्केल टू फिट पेपर, पेपर पर फिट हो जाए पूरी तरीके से। उसके बाद फ्रेम स्लाइड्स, स्लाइड्स पर फ्रेम्स ना आए, अगर आप ऑन कर लेंगे तो स्लाइड्स पर फ्रेम आएगा आउटसाइड से। ये देखिए आउटसाइड फ्रेम आ रहा है, अगर हमने हटा दिया था यहाँ से तो ये फ्रेम चला जाएगा आउटसाइड वाला, ये देखिए फ्रेम चला गया यहाँ से। तो इस तरीके से आप स्लाइड्स में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं प्रिंट के समय। हाई क्वालिटी लगा देंगे तो प्रिंट जब होगा तो वो बहुत ही हाई क्वालिटी के साथ प्रिंट करके आपको देगा। तो यहाँ पर स्लाइड्स की सेटिंग कर सकते हैं कि एक पेज पर कितनी स्लाइड्स आएँ, क्या क्या चीज़ें प्रिंट हों, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोलैड का ऑप्शन। कोलैड में जब हम लोग लेते हैं तो पेपर की जो सीरीज़ होती है उनको लगा सकते हैं। जब हमने कोलैड ऑन किया तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है कोलैड और एक आ रहा है अनकोलैड। कोलैड में जो सीरीज़ निकलेगी वो 1, 2, 3
वन टू थ्री और वन टू थ्री के फॉर्म में निकलेगी। अगर अन कोलाइड लगाते हैं तो पहले वन वन वन, टू टू टू, थ्री थ्री थ्री, इस तरीके से आएगा। यानी कि पहले पहला ही पेज सारे प्रिंट हो जाएंगे, फिर दूसरे पेज सारे प्रिंट होंगे, फिर तीसरे पेज प्रिंट होंगे। लेकिन अगर कोलाइड लगा देंगे तो पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से कोलाइड में प्रिंट करेगा। प्रिंट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट लगा हुआ है, अगर हम लैंडस्केप कर देंगे तो हमारी जो स्लाइड्स हैं वो देखिए इस तरीके से लैंडस्केप फॉर्म में आएंगी। अगर हम पोर्ट्रेट कर देते हैं तो पोर्ट्रेट आएंगी। अगर हम ग्रे स्केल लगाते हैं तो हमारी ग्रे में इमेजेस प्रिंट होंगी, और प्योर ब्लैक एंड वाइट लगा देंगे तो प्योर ब्लैक एंड वाइट कलर्स में आएगा। तो ये देखिए कलर में कलर का व्यू आ रहा है। अगर हमने ग्रे स्केल लगाया तो देखिए ग्रे में प्रिंट हो रहे हैं, अगर प्योर ब्लैक एंड वाइट लगाते हैं तो प्योर ब्लैक एंड वाइट आएगा। तो कलर में चाहिए कलर लगा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेव एंड सेंड। अगर आप इस फाइल को सेंड करना चाहते हैं तो फाइल को सेव करा लीजिए, और सेंड करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप वीडियो फॉर्म में सेंड कर सकते हैं, पैकेज बना सकते हैं प्रेजेंटेशन फॉर सीडी, पीडीएफ्स में कर सकते हैं, फाइल का टाइप बदल सकते हैं, एक्सपीएस फॉर्मेट में सेव करा सकते हैं, अटैचमेंट लगा के भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप ईमेल का इस्तेमाल करते हुए फाइल को सेव करा के इन सारे ही फॉर्मेट्स में सेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हेल्प। आप ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑफिशियल वेबसाइट पर इसमें हेल्प ले सकते हैं कि पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रोडक्ट की या उसके बारे में अगर आप जानना चाहें तो हेल्प के थ्रू आप हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शंस में आते हैं, तो ऑप्शंस में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जिनको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, जिसमें अभी हमने आपको जो एक सेटिंग सिखाई थी वो थी क्विक एक्सेस टूल बार की। तो इनको हम लोग वन बाई वन ऑप्शंस के साथ ही सीखेंगे कि कैसे कैसे हम इनकी सेटिंग्स को समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। इसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं जो ऑप्शंस के साथ ऑन और ऑफ होने पर चलती हैं। तो एक सेटिंग्स के बारे में तो अभी हम लोगों ने जाना था, बाकी हम रिबन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडवांस ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में हम इन सब के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद एग्ज़िट कर देंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि क्लोज़ करने से हमारी फ़ाइल बंद होती है और एग्ज़िट करने से हमारा सॉफ्टवेयर बंद होता है। तो अगर हम एग्ज़िट कर देंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर हो जाएगा बंद। तो ये था मेरा फाइल टैब का पूरा ऑप्शन जिसको हम लोगों ने जाना, और होपफुली आप इन सब ऑप्शन को प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर लीजिए, और फिर उसके बाद हम लोग आगे के क्लास में आगे के ऑप्शंस के बारे में जानेंगे।